देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। ईद से पहले महंगाई, कप्तान खामोश और मिशन अमेरिका, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। जब नवाज शरीफ का नाम आता है आपकी जहनों में आता है बिजली सस्ती, चीनी सस्ती। इमरान खान का नाम लो तो क्या याद आता है, महंगी चीनी, आटा चोरी, चीनी चोरी। तब्दीली का असल चेहरा तारीखी गुर्बत है, तब्दीली का असल चेहरा तारीखी महंगाई है। पहली दफा हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट से सरप्लस में चला गया। पाकिस्तान की तारीख में ये सबसे बेहतरीन दौर का आगाज शुरू हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। नया पाकिस्तान बनते 3 साल हो गए, मुल्क में तब्दीली आई तो सिर्फ हुकूमत की आई, वजीर आजम के ओहदे में आई, वुजरा तब्दील हुए, मुशीर बदल गए। अगर कुछ नहीं बदला तो वो है गरीब की किस्मत। इस हुकूमत में अगर कुछ ऊपर गया है ना तो वो है महंगाई, किसी चीज में इजाफा हुआ है तो वो है गुर्बत और बेरोजगारी, कुछ बढ़ा है तो वो है आम आदमी की मुश्किलात। हुकूमत के अपने आदाद व शुमार के मुताबिक मुसलसल चौथे हफ्ते भी महंगाई में इजाफे का ही रुझान है। ईद से पहले चीनी, घी, अंडे, टमाटर और सब्जियों समेत जरूरत की 23 चीजों की कीमतें बढ़ चुकी हैं। जब इमरान खान ऑपोजिशन में थे ना तो महंगाई 5% थी, लेकिन फिर भी वो एहतजाज करते थे, सड़कों पर आ जाया करते थे। आज महंगाई की शरह 13% है, लेकिन इमरान खान खामोश हैं। पेट्रोल 80 रुपए था, लेकिन उन्हें ये भी आवाम पर बोझ लगता था, वो इसके लिए आवाज उठाते थे। आज पेट्रोल 114 रुपए है, लेकिन इमरान खान खामोश हैं। इमरान खान बिजली महंगी होने की वजह हुक्मरानों की करप्शन और लूटमार बताते थे, आज उनकी अपनी हुकूमत में बिजली महंगी हो रही है, लेकिन इमरान खान खामोश हैं। माजी में डॉलर महंगा होता था तो खान साहब कैलकुलेटर लेकर निकल आते थे, वो हमें बताते थे कि रुपया गिरने से कर्जा कितना बढ़ जाता है। आज डॉलर 160 तक भी चला गया, लेकिन इमरान खान खामोश हैं। आज वो हमें मईशत बेहतर होने का तो बताते हैं, लेकिन महंगाई कब खत्म होगी इस पर खामोश हैं। अब पता नहीं वजीरे आजम इमरान खान वजीरे आजम होने की वजह से आज खामोश हैं, या फिर इस महंगाई के सामने बेबस हैं, या फिर मुल्क में तब्दीली लाते लाते वो खुद ही तब्दील हो गए हैं। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो आजाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम छोड़ के अमरीका रवाना हो गए हैं। आज प्रोग्राम में उनके दौरे अमरीका पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सैनेटर ओन अब्बास साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सहर कामरान हमारे साथ मौजूद हैं, और PMLN से हमें निहाल हाशमी साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। ओन अब्बास साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, आज 11 जुलाई है और आपकी हुकूमत को 3 साल मुकम्मल होने में ना सिर्फ 1 महीना रह गया है। सर, आप महंगा पाकिस्तान बनाने आए थे या नया पाकिस्तान बनाने आए थे? चूंकि आवाम ये पूछ रही है कि वो इमरान खान कहाँ हैं जो महंगाई पर एहतजाज करते थे, जो बिजली के बिल जलाया करते थे, जो कर्ज ना लेने की बात करते थे, वो इमरान खान खामोश क्यों हैं जो अवामी मसाइल पर इस गरीब अवाम के साथ खड़े होते थे? थोड़ा सा ना तकाबली जायजा बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप जब इस तरह की इशूज क्रिएट होते हैं ना, उसमें कंपेरिजन स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होती है। जब कोरोना वैक्सीन जिजाद नहीं हुई थी तो दुनिया अचानक एक स्लंप में गई थी। वैक्सीन आने के बाद जब ऑटोमेटिकली इकोनॉमीज खुली, मार्केट्स खुली, ट्रैवलिंग स्टार्ट हो गई, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, ओवरऑल पूरी दुनिया में ना अचानक एक अपसर जो इकोनॉमीज में आया, उसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में एक थोड़ा सा ना जो कंपैरिजन था वो थोड़ा डिसरप्ट जरूर हो गया था। आप जिन तीन चीजों का आपने जिक्र किया, मैं तीनों का बार बार थोड़ा सा ना आपको कंपैरिजन दे देता हूँ। अगर आप स्टार्ट करें सिर्फ तेल की कीमत, आपने कहा जी 80 रुपए थी और अब 112 रुपए या 15 रुपए हो गया। पिछले साल जो इंटरनेशनल ब्रेंड क्रूड की प्राइस थी वो $47 पे थी, आज $74 पे है। और इस वक्त जब UAE और सऊदी अरब में जो लड़ाई है ओपेक के ऊपर, तेल की प्रोडक्शन के कट्स के ऊपर, वो जो बहुत ज्यादा फ्यूचर में असर्टन है कि लाजमी होती नजर आ रही है, $80 से भी क्रॉस कर जाएगा। कहाँ $47, कहाँ $80। अब आप खुद समझ लें, जब आपको 100% से ज्यादा
इंटरनेशनल ब्रेंट क्रूड की प्राइस बढ़ जाए तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन आप फिर भी समझिए कि इस वक्त पूरे रीजन में इंक्लूडिंग इंडिया हमारा जो पेट्रोल की प्राइसेस है वो पूरे रीजन में सबसे सस्ती है। दूसरे नंबर पे अपने आटे की बात की, मैंने जैसे कहा पिछले साल आटे का जो गंदम का रेट था वो 1350 रुपया मन मुकर्रर था, हमें गंदम की शॉर्टेज थी, हमने इस साल 1350 से गंदम का रेट 1800 रुपये कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 2,70,00,000 मेट्रिक टन गंदम पैदा हो गई। अब गंदम तो अच्छी पैदा हो गई, लेकिन जब आपने 1800 रुपये परचेज किया, ला माला जब वो गंदम फ्लोर मिले परचेज करेंगी वो 2000 और 2100 पे आटा बिकना ही बिकना है। सो आटे का थैले का जो रिटेल प्राइस है वो किसी सूरत 1050 रुपया पर 20 kg से कम नहीं हो सकता, वो 1100 भी जाएगा, 1150 भी जाएगा, ये अब एक रिटेल प्राइस है जो सेट होगी। इसी तरह आप चीनी पे चले जाएं, पिछले साल चीनी का रेट जो गंदम अपना रखा था गन्ने का वो 180 रुपया पर मंथ था, जब 300 रुपया आप गन्ना परचेज करेंगे तो ला महाला आपने 85 रुपए से उसको बढ़ा के अब वो 90 रुपए। अब शुगर मिल वाले कहते हैं कि जी हमें 90 में भी वारे नहीं कर रहा, सो अब हम उनको प्रेशराइज जरूर कर रहे हैं कि वो उसको प्राइस को सस्टेन करें। रिपोर्ट कह रही है चीनी 86 रुपए में बिकना चाहिए और अपोजिशन कह रही है कि जांगी करीम को बजट पास कराने के लिए आपने क्लीन चिट दे दिया और उसके बाद बजट पास हुआ है तो महंगाई की नई लहर गई है, चीनी तो खैर 100 रुपए से कम होने का नाम नहीं ले रही। सर आप अभी अपने मौसी तरक्की भी हमें बताएंगे और आप जरूर बताइएगा। चीनी एक फैक्टर है जी, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, जो कि आम कंज्यूमर कमोडिटीज हैं, जो कि आम शख्स की जिंदगी में फर्क डालती है, वो तकरीबन 20 के करीब होती है। अब तो बहुत फर्क डालती है। यकीनन सबका बजट से या तरीन साहब या शुगर से ताल्लुक नहीं था, उसमें अंडे भी हैं, उसमें मुर्गियां भी होती हैं, सो नॉर्मली डिमांड एंड सप्लाई का इशू आता है। एक ओवरऑल परसेप्शन ये है पिछली ईद महीने महंगाई को कंट्रोल करने में मुसलसल नाकाम हो रही है। ऑन अब्बास साहब, हर गुजरते दिन के साथ अगर कोई चीज बढ़ रही है ना सर, वो है महंगाई। इस वक्त पाकिस्तान में 6 करोड़ लोग की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं और हफीज पाशा साहब को आप लोग भी बड़ा फॉलो करते हैं, उनके मुताबिक पाकिस्तान में ये तादाद 8 करोड़ है। सर मैं सिर्फ एक सादा सा सवाल फिर आपसे कर रही हूं कि यहां पे गरीब का एक आम आदमी के 3 मसाइल हैं, महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत, बताइए इसमें क्या बेहतरी आप लेकर आए हैं। मैं फिर कह रही हूँ कि आटा महंगा है, चीनी महंगी है, घी महंगी है, घी महंगा है। सर ये बिजली और पेट्रोल की कीमतें आप देख लें, बिजली अक्टूबर से 3 रुपये आप लोग बढ़ा रहे हैं और साथ ही आपने 1.25 रुपये का इजाफी सर चार्ज लगा दिया है। पेट्रोल की अभी आप बात कर रहे थे, पेट्रोलियम लेवी 35% बढ़ा दी है। ये सब निकलेगा तो आप कान कहीं से भी पकड़ लें, ये निकलेगा तो गरीब की जेब से ही ना, और वजीर आजम ये कहते हैं कि अब बड़ा अच्छा वक्त शुरू हो गया। अगर आप बिजली की तरफ जाना चाहें मैं वो भी समझा देता हूँ। हमें हर साल कैपेसिटी पेमेंट्स में पेमेंट करनी पड़ती है, जो कि वो टेक और पे का कॉन्सेप्ट है ना, कि आप लो ना लो, इस्तेमाल करो, आपको बिजली देनी है। पिछले साल 478 अरब था, जो कि हमने रिड्यूस करके 177 अरब उनको पे किया। इस साल हमने उनको 960 अरब रुपया पे करना है, उन तमाम IPPs को जिनके साथ हमारे आज से 10 साल पहले मुआहदे थे कि हमें बिजली वो बना के देंगे, हम लें या न लें हमें पेमेंट करनी है। अब इस 900 अरब को पे करने के 2 तरीके हैं। एक तो हम उसको सब्सिडी दें, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दे, या लोगों पे उसका बोझ डाल दें। इस साल IMF ने हम पे शर्त लगाई थी कि आप 4.78 रुपए यूनिट पर बिजली बढ़ा दें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि मैं और पाकिस्तान की वहां पे बोझ नहीं डाल सकता, उन्होंने बिजली के रेट नहीं बढ़ाए। आम आदमी को समझ आ रही होगी, और अब्बास साहब खुद बताइए सर, वो तो ये कंपैरिजन करता है कि नून लीग के दौर में लोड शेडिंग खत्म होने के बराबर थी, आपके दौर में फिर हो रही है। हम एक गरीब मुल्क है जिसकी खाली किटी बॉक्स थी। 2018 में हमारे हालात ये थे कि हमें तेल इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास डॉलर के रिजर्व्स मौजूद नहीं थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो रिजर्व्स मौजूद हैं, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स पे हमारी महंगाई पे चल रही है। मरियम नवाज कह रही हैं कि नवाज शरीफ का नाम लो तो तरक्की याद आती है, इमरान खान का लो तो महंगाई याद आती है। इस साल की बात कर देता हूं मैं, आपकी 60% आबादी इस वक्त ज़रात पे है, 60% आबादी देहातों में बसती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल किसान खुशहाल है, उसके पास 8,10,00,000 मैट्रिक टन उसने गन्ना पैदा किया है, 2,70,00,000 मैट्रिक टन उसने गंदम पैदा की है, 81,00,000 टन उसने मकई पैदा की है, और सबके रिकॉर्ड रेट मिले तो उसकी परचेजिंग पावर भी स्ट्रांग हो रही है। अगर आपको महंगाई नजर आ रही है तो साथ आपको किस बार किसान मजबूत होता नजर आ रहा है, आपको इंडस्ट्री चलती नजर आ रही है। आज ये हालात है कि मुल्तान में फैक्ट्री में काम करने के लिए मुलाजमीन की कमी हो चुकी है।
आप देखें आदाद शुमार जरूर आपके ऊपर जा रही है, साथ साथ गुर्बत और महंगाई भी जा रही है, आप कब तक इन आदाद शुमार से गरीब आवाम का पेट भरेंगे? देखिए ना, ये एक बड़ा विशेष साइकिल होता है। अगर कहीं से अगर आपने इकोनॉमी के साइकिल को मूव करना है तो अगर गुर्बत बढ़ रही होती तो परचेसिंग पावर भी साथ बढ़ रही है, आपका इकोनॉमी का साइकिल भी मूव कर रहा है। सो ओवरऑल आपने सिस्टम में एक इक्विलिब्रियम, एक वो फिजा लेके आनी है जो कि उसको मुकम्मल एक बैलेंस करके चलेगी कि यार अगर गुर्बत बढ़ रही है तो उसकी महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल और स्टेट बैंक की रिपोर्ट भी कह रही है कि इस साल महंगाई में कमी नहीं होगी, सवाल फिर वही है कि गरीब कहां जाए। निहाल हाशमी साहब, हुकूमत देखा कितनी पुरएतमाद है इन तमाम चीजों के बावजूद, वो कह रहे हैं बुरा वक्त गुजर चुका है, अच्छा वक्त शुरू हो गया है, वो कह रहे हैं तरक्की का दौर है, और आपकी करप्शन से जितना इस मुल्क का नुकसान हुआ था ना, जितनी इस मुल्क ने आपकी करप्शन की कीमत अदा करनी थी वो कर दी है। सबसे पहले तो मैं पेट्रोल के हवाले से जो बात उन्होंने की उस पे मैं वजाहत कर दूं, जो इंडियन करेंसी है वो और हमारी करेंसी डॉलर के मुकाबले में क्या है, हम आधे पे हैं जी, तो फिर प्राइस उस तरह काउंट ना करें। तो यहाँ पे पेट्रोल का ये वाली बात नहीं है कि जी उनसे हमारी सस्ती या उनसे हमारी महंगी, तो ये एक अलग सी बड़ी कह रहे मजबूरी के तहत इजाफा किया है पेट्रोल में। की जी सर, मेरे भाई ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि देहाती बड़े खुशहाल हैं, मैं शहर में रहता हूँ, मेरे भाई एक बड़े जमींदार हैं, अल्लाह ताला उनको जागीरदार बल्कि नवाब भी बना दे, मेरी तो ये दुआ है अल्लाह करे और तरक्की करें, मगर हर देहाती किसान नहीं होता, हर देहाती हल बैल या ट्रैक्टर नहीं चलाता। हमारे देहातों में शायद 5 से 10% लोग होंगे जो लैंड से रिलेटेड एग्रीकल्चर से उनकी कोई आमदन होती होगी, बाकी लोग बेचारे मजदूरी करते हैं, दुकानदार हैं। निहाल हाशमी साहब, अपने दौरे हुकूमत में ऐसा क्या करके आप लोग चले गए हैं सर? 3 साल से वो मुल्क की मईशत ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ना मईशत ठीक हो पा रही है उस तरह से, ना महंगाई काबू हो पा रही है। अच्छी दौर और सस्ताई का दौर गुजर गया, अब बुरा दौर और महंगाई का दौर आ गया, जबकि इन्होंने 3 साल में 15,000 अरब से ज्यादा कर्ज ले लिया जी। अब मुझे नहीं मालूम ना मेरे पेट में गया, ना आपके पेट में गया, किसके पेट में गया, ना कोई तरक्याती काम नज़र आ रहा है, ना कोई डेवलपमेंट नज़र आ रहा है। हमारे मियां नवाज शरीफ के लगाए प्रोजेक्ट्स पे तख्तियां लगाई जा रही हैं। हाँ ये ज़रूर हुआ है कि जो कहते हैं ना वो प्राइम मिनिस्टर अब साइकिल के बजाय हेलीकॉप्टर्स पर जा रहे हैं, अब नए नए गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं, अब प्रोटोकॉल बढ़ाई जा रही है, अब प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाह 48 लाख रुपया कर दी गई है। नवाज शरीफ तनख्वाह नहीं लिया करते थे और जो उनको मिलता था वो अस्पतालों में और दर्सगाहों को भेज दिया करते थे। यहाँ पर 48 लाख वाली सालाना होगी जी, नवाज शरीफ तो नहीं लेते थे तनख्वाह। मैं जो आपसे बात बताना चाह रहा हूँ, तो अगर आप अपनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, अपने अफसरान बाला की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, अपनी मराद को बढ़ा रहे हैं, अपने लोगों की मराद बढ़ा रहे हैं, अपने लिए नई गाड़ी नई हेलीकॉप्टर ले रहे हैं, तो फिर निहाल हाशमी साहब 3 साल हो गए इस हुकूमत को, मियां साहब भी 8 हफ्ते का कह के गए थे इलाज कराने के लिए, इस बात को 2.5 साल गुजर गए, आपकी पूरी सियासत अपनी हिसाब तक घूम रही है सर, अवामी के पीछे। आम लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी है, आमदनी उनकी बढ़ी है जो कैबिनेट में बैठे हैं, उनकी बड़ी है जो जहांगीर तरीन साहब है, उनकी बड़ी है जिन्होंने करप्शन किया आटे में, पेट्रोल में, दवाइयों में, बिजली में, आमदन उनकी बड़ी है, चंद लोगों की बड़ी है, मखसूस तबके की बड़ी है, एटीएम कार्ड की आमदन बड़ी है, आम लोगों की खरीद की जो कुव्वत है वो खत्म हो चुकी है, लोग चीख उठे हैं, लोग कर्जे लेते हैं, अब लोग अपने ख्वाहिशात को मार देते हैं, लोगों के घर में ईद पे नए कपड़े नहीं आते हैं, वो बिजली का बिल नहीं पे कर पाते हैं। निहाल हाशमी साहब, इन मसाइल पे आप लोगों का महंगाई पे एहतजाज करना नहीं बनता, बताइए जरा कौमी असेंबली सेनेट में कितनी इस इशू पे आपने आवाज उठाई है, कितनी तहरीकें, कितनी करारदादे आपने जमा कराई है, सिर्फ बातें, सिर्फ शोर? नहीं नहीं, हमने मुसलसल किया और हम करते रहेंगे, और ये जो एहतजाज पीडीएम करती रही है, ये जो लॉन्ग मार्च करती रही है, जो जलसे कर रहे हैं, ये जो जुलूस हो रहा है, महंगाई मार्च करना था, किस बात पे बात हो रही है, वो नहीं कर सके आप, होती है बजट रोकना था, 14 लोग आपके गायब हो गए उस दिन, आप कहते हैं हुकूमत नाकाम है, आप भी नाकाम है, ये लंबी बहस इस पे, ये देखिए ये लंबी बहस है, हुकुम मेरा नहीं, हम नाकाम नहीं है, देखिए हुकूमत का काम है लोगों को तहफुज देना, उनकी जान और माल की हिफाजत करना, उनको रोजगार फराहम करना, अपोजिशन का काम भी होता है करना, उनको तालीम देना, ये हुकूमत का काम, आपका काम आवाज उठाना, हमारा काम है निशानदेही करना, वो भी नहीं कर रहे, हर रोज हम निशानदेही करते हैं, हर रोज हम आवाज उठाना।
काम नहीं कर रहे हैं मुसलसल right, ये मरियम नवाज क्या कर रही हैं? यही बात तो कर रही हैं मरियम। ओके सर, क्या ख्याल है कि ये आदाद व शुमार गवर्नमेंट बता रही है बेहतर हो रहे हैं, बहुत सी सनतें चलना शुरू हो गई हैं, करंट अकाउंट वो कहते हैं तकरीबन खत्म हो गया है, उसके बावजूद आप क्या समझती हैं कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा? क्या वजीर आजम को मिसगाइड किया जा रहा है या आप लोग इतनी तबाही मचा कर गए थे कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट में भी अभी टाइम लगेगा आने? शुक्रिया पारस। देखें, इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब का जो पूरा इनसार है वो झूठ पर है, यानी इतना झूठ बोलें कि सच और झूठ की तफरीक ख़त्म हो जाए। आज मीनारे पाकिस्तान पे महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा था जी, ठीक है, आम आवाम कर रही थी, रिक्शा वाले कर रहे थे, सियासी जो है कायदीन वो भी वहाँ मौजूद थे। आपने बात की कि असेंबली में आवाज़ नहीं उठाई गई, जितनी कट मोशंस थी सारी रिजेक्ट हुई, बात सुनने के लिए मौजूद नहीं होते इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब, इतने पार्लियामेंट से भागते हैं कि कोई बात उनको सुननी ना पड़े, किसी पे अमल ना करना पड़े। कुछ अफेक्ट्स हैं उनको मैं ज़रूर बयान करना चाहूँगी। तेल की कीमत, जब तेल सारी दुनिया में कम था तो हमारे यहाँ नायाब था, ठीक है, और जब तेल मिला तो उसकी कीमत छूट कर गई, ठीक है। चीनी हमारे यहाँ नायाब, इन्होंने भी कहा जी 1800 रुपए में हमने गंदम खरीदी, सिंध में 2000 पे खरीदी। अब ये बताना भूल के कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी बढ़ी, इन्होंने ये नहीं बताया कि डीएपी की कीमत क्या है, इन्होंने ये नहीं बताया कि यूरिया की कीमत क्या है, इन्होंने ये नहीं बताया कि डीजल कितना खर्च होता है हल जलाने पे। तो भाई आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो 100% बढ़ा दी। आप कहते हैं कि जी किसान खुश है, किसान कहाँ से खुश है? किसान सोचता है कि मैं खाद डालूं कि जो है दवाइयाँ डालूं, जब लोकस्ट आता है तो वज़ीर आज़म साहब के को कोई असर नहीं पड़ता, जब सैलाब आते हैं तो वज़ीर आज़म साहब सोचते हैं कि इस पर कैसे सियासत करें। वो जो है देखें बात ये, वज़ीर आज़म साहब कहाँ पर है? ये अभी इन्फ्लेशन की बात करें, जब बजट में टैक्स नहीं लगाया, एक, कोई नया उन्होंने जो लगाए थे वो बात भी कुछ वापस ले लिए, देखिए बात बिल्कुल, मैं आपको भी बताऊं कि कोविड से पहले इन्फ्लेशन डबल डिजिट में थी और अब भी इन्फ्लेशन डबल डिजिट में है, ठीक है। इनको सिर्फ झूठे अदादोशुमार के आपने जो बोलते हैं वो ब्लफ है, यानी इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब के वादे झूठे, दावे झूठे, मंशूर झूठा। अब बताएं बिजली का बिल जलाएं अब कि गैस का बिल जलाएं, अब दिल जला सकते हैं, और अवाम का दिल भी जल रहा है और अवाम को जो है ना खाने को रोटी भी नहीं। आप तंकीद करें, पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड भी वैसे कुछ अच्छा नहीं था, महंगाई आपके दौर में भी 20% थी, जब आप गए तो 8% थी, इनके दौर में 14% तक गई है, वो कह रहे हैं वो भी उसमें बड़ा किरदार कोरोना का है। देखें मैं बता रही हूँ ना कि आप कोरोना से पहले डबल डिजिट में थी इन्फ्लेशन, पीपल्स पार्टी की आप बात करें, आप जरूर बात करें, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो मुल्क में उस वक्त आईन किस हालत में था, उस वक्त आप ये देखें दहशतगर्दी कहाँ पे थी, उस वक्त आलमी दुनिया में तेल की कीमत क्या थी, उस वक्त आलमी इन्फ्लेशन क्या थी, लेकिन हमने आके डिलीवर किया ना, हमारी नजर आई कि हमने पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन किया, हमने आईन को बहाल किया, हमने सूबों को जो है इकट्ठा किया। यहाँ तो अहम तरीन देखें कहते हैं हमने मईशत का पहिया जैम नहीं होने दिया। आप देखें WHO ने इस गवर्नमेंट की तारीफ की है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 25 नवंबर को पाकिस्तान स्ट्रेटजी डे करार दिया था, अभी द इकोनॉमिस्ट ने भी कोरोना के बाद बहाली में पाकिस्तान को तीसरा बेहतरीन मुल्क कहा है, तो कप्तान को क्रेडिट नहीं जाता इसका। देखें बात यह है कि आप जो लोग जो है ना वो हंसते हैं, आप झूठे फिगर्स देते हैं, ठीक है, आप जो है वो अगर जो हकीकत और ऑन ग्राउंड क्या चीज़ है, आप मुझे बताएं कि क्या वैक्सीन्स के ऊपर आपने एहतजाज होते हुए नहीं देखे, आपने ये नहीं देखा कि पाकिस्तानी किस तरह से फंसे हुए हैं, आप ये बताएं कि आपकी टेस्टिंग कैपेसिटी क्या थी, आप ये बताएं कि आपके डॉक्टर्स किस तरह से अपनी जानों से हाथ धोते रहे, आप ये बताएं कि आपने कितनी आपकी वेरिफिकेशन सही थी। देखिए हम ये बातें इसलिए नहीं कहते कि हम कहेंगे जी, आप कहेंगे जी आपने नेशनल लेवल पर कोई धचका लगा दिया, बात यह है कि सबसे ज्यादा धचका तो इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब ने लगाया है। क्यों? यानी कैसे? देखें बात यह है कि इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब झूठ बोलते हैं हर जगह पे, वो झूठ साबित होता है। जीएसपी प्लस आपका खतरे में है, ठीक है, जीएसपी प्लस आपका खतरे पे है, ये आप मुल्क की कोई कदर व मंजिलत में इजाफा नहीं कर रहे, आप जो है एक आम आदमी के मसाइल को नहीं समझ रहे। ये इन्होंने मैं समझती हूँ जितनी रिसोर्सेज ये झूठ बोलने पे, प्रोपेगेंडा पे, अपोजिशन को अटैक करने पे सर्व करते हैं, अगर उतनी कारकर्दगी पे तवज्जो देते तो शायद कोई बेहतरी आ जाती। बाद साहब जरा जवाब इनका दे दें, फिर जरा आजाद कश्मीर के इलेक्शन पे बात करेंगे। सर वो कह रही हैं ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए लग नहीं रहा, उम्मीद नहीं है कि कोई एक आम आदमी को आगे भी रिलीफ मिल सके।
मैं वैसे इनकी कोरोना की फिगर्स जो बीबी ने दी है मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई कर दूं। हमारे पास 4 लाख लोग डेली की कैपेसिटी है टेस्टिंग की, और इस वक्त पाकिस्तान में इस वक्त जो वैक्सीन है वो तकरीबन 50 लाख का स्टॉक एक्सेस अवेलेबल पड़ा है। गवर्नमेंट ये मेहनत कर रही है कि कम से कम ऐसा कुछ हो सके कि लोग आके वैक्सीन करवा सकें। सरकारी लोगों को हमने प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि आप काइंडली वैक्सीन करवा दें। सो कम से कम कोरोना के ऊपर आप सियासत करना छोड़ दीजिए। जहां तक ये दोबारा फिगर फजे की बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिस्ट में क्या फिगर आई थी और वर्ल्ड यूएनओ ने क्या फिगर दी है, ये सारी चीजें सारी फैक्ट्स वो इकट्ठे कर रही है, हम नहीं इकट्ठे करके गए। दुनिया आज आपको एक्सेप्ट करिए कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे जो कोरोना से फाइट करके वहां से ऊपर के आ गया। सो इस चीजों के इल्जाम मत दीजिए। बाकी जो इंटरनेशनली चीजें मैंने बार बार कहा कि रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ गई, वो एक अलग इशू है। चलिए सर, अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आजाद कश्मीर इलेक्शन कैंपेन की अगर मैं आपसे बात करूं, वहां पे तमाम जमातें बड़े जोरों पे अपनी कैंपेन कर रही हैं, लेकिन आपके जो अली अमीन गंडापुर हैं उन्होंने तो कौमी खजाने का मुंह ही खोल दिया है सर, धड़ाधड़ वो फंड्स का ऐलान कर रहे हैं एक वोट के बदले। ओन अब्बास साहब, एक वोट के बदले वो कह रहे हैं कि 1 करोड़ के फंड का ऐलान, तो जीत यकीनी है फिर? तीन मेन इश्यूज हैं जिसपे बात कर लेता हूँ। नंबर वन, कल भी मैंने लोगों से कहा था कि जी जो अली भाई ने किया है कि वो शायद वो काबिल सताइश नहीं है, उनको नहीं करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन ने लेटर लिख दिया, प्राइम मिनिस्टर साहब उसको देखेंगे, उनका डिस्क्रिशन है और उस पर जो कानून के मुताबिक उस पर कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन मैं उसको यकीनन अप्रिशिएट नहीं करता, नंबर वन। नंबर टू, लेकिन आप दोनों पॉलिटिकल जमातों ने जो किया उसको कंडेम करने की जरूरत है। एक साइड पे मरियम बीबी ने जो जाके वहां पे स्टेटमेंट की है कि जो हमारी जो एक डर्टी लॉन्ड्री है वो जाके कश्मीर में आपने धोना शुरू कर दिया। कश्मीर की बेटी वाला जो नारा लगाया आपने 1990 की दहाई की डार्क एजेस में, जब जात पात की सियासत होती थी, जब जबान की सियासत होती, जब कौमियत की सियासत होती थी, वो ही एग्जैक्टली काम आपने कश्मीर में जाके शुरू कर दिया है। और अगर आपने वहां बात करनी थी तो आप अपने मेरिट्स की बात करें ना, आप बताएं कि 5 साल जब आपकी हुकूमत रही है आपके वालिद मोहतरम में कश्मीर कॉज के लिए किया क्या था, मतलब उनको ये स्टोरियां सारी भूल गई कि मोदी के साथ उनके जो ताल्लुकात थे वो जाके सारे उनको भूल गए। वो शादियां हैं, वो शामियाने, वो वो मरी में आना जाना, वो तोहफे तहफ की तकसीम, कुलभूषण पे खामोशी या बलोचिस्तान के हवाले से इंडियन वॉर पे खामोशी, सारी दुनिया को याद है कि आप लोगों ने कश्मीर के साथ किया क्या है। राजा फारूक अदर 5 साल से वहां पे कश्मीर पे बैठा है, उसने कश्मीर की आवाम के लिए सिवाय करप्शन को वहां पे दिया क्या है। आज भी जाके कश्मीर से पूछे कि वहां पे लोग रो रहे हैं कि जी हमें यहाँ करप्शन लूट के खा गई, हमारी हुकूमत रही, इनकी हुकूमत रही। जहां तक बिलावल भुट्टो साहब, जरदारी साहब वहां पे गए थे, उनका कमाल तमाशा, वो परसों फरमा रहे थे कि जी अगर आप हुक्म करें तो हम जंग दें। उन साहब बहादुर पर्ची वाले को, लीडर को समझाए कि भाई जिस तरह के विरासत में तुम्हें मिली है, शायद उनको याद कराएं कि उनके नाना मोहतरम ने आज से 46 साल पहले कहा था हम 1000 साल तक जंग करेंगे। 46 साल गुजर गए, उसके बाद उनकी दो दफा उनकी वालिद मोहतरम जो है ना वो उसके बाद लीडर रहे, उन्होंने भी जंग नहीं की। वालिद मोहतरम साहब आए, उन्होंने भी जंग नहीं की। ये कौन सी जंग कर रहे, परसों जंग का ऐलान करके एमिरेट्स की फ्लाइट पे रात को अमेरिका चले गए। कॉन्फ्रेंस है जो कि उन्होंने जी एक दिन की कॉन्फ्रेंस है जो कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मुझे वहां पे आने दें, उसके लिए 7 दिन सर ये इल्जामात के तीर जो है ना ये दोनों तरफ से तीनों तरफ से चलाए चले जा रहे हैं। देखिए ऑपोजिशन जो कर रही है बिल्कुल अभी उस पर बात करते हैं, अगर वो गलत करें कम से कम जो हुकूमत है उसको तो इशू के ऊपर फोकस्ड रहना चाहिए ना। आपके तर्जुमानों को भी अभी याद आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ ने मोदी की माँ को साड़ी भिजवा दी, उनका मोदी का पाकिस्तान आना याद आ रहा है। आप भी बताएं ना लोगों को कि बुरहान वानी के भी 3 दिन पहले बरसी थी, वो क्यों शहीद हुए थे, 2 साल से कश्मीर जेल बना हुआ है, आपने भी तो आजाद कश्मीर को दाखिली सियासत का महाज बना दिया है सर। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर का मुकदमा पिछले 3 साल में लड़ा, मैं समझता हूँ कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में इस तरह मुकदमा कोई लड़ सका। देखिए आप अगर कोई कहे कि जी जंग कर देते हैं तो आप क्या समझ सकते हैं कि 8 लाख की सिर्फ फौज तो उनकी कश्मीर बैठी है, आपने पहले जंग कश्मीर फरोशी का इल्जाम क्यों लगा रहे हैं आप पे? नहीं होता, आप ये क्यों कह रहे हैं आपने कश्मीर का सौदा किया? हमने नैरेटिव बिल्ड किया। मैं यकीन जानिए मैंने कल एक आर्टिकल पढ़ा है एक दो कश्मीरी लड़कों का, एक का नाम शायद अयाज पंडित उसका नाम था, वो कहता था कि मुझे भूल चुका है कि मैं कश्मीर में पाकिस्तान से ताल्लुक क्या है। कहते जी मैं इससे पहले नवाज शरीफ साहब की तकरीर सुन सकूं जो पढ़ी पढ़ाई तकरीर होती थी जिसका मतलब कोई नहीं निकलता था। उसने कहा जब मैंने यूएनओ में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की स्पीच सुनी तो मुझे लगता कि हमारे लिए वाकई पाकिस्तान में किसी हुक्मरान का दिल धड़कता है। वो कह रहे मैं अपने आप को रिलेट कर सकता हूँ, अब मुझे फील होता है कि वाकई कश्मीर अगर आजाद अच्छी
जिंदगी गुजार सकेंगे उस आजाद पाकिस्तान के साथ। ये तरीका होता है कि आप दुनिया को मोदी का चेहरा दिखाएं, उसके फासिज्म दिखाएं, उसकी पॉलिसीज को अया करें, ये क्या होता है, उसके साथ ताल्लुकात बढ़ाने शुरू कर दे। लेकिन सर देखिए, इस तरह की सियाचिन से उन्होंने फौज नीचे नहीं उतारी थी। इंडिया के साथ आपके ताल्लुकात कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। आप जो बॉस उनके साथ ताल्लुकात बना ले, दोस्ती जारी कर ले, उनके साथ इसी तरह से उनको एक्सपोज करना पड़ेगा। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, ये मुल्क दुश्मनी और ये गद्दारी और ये मुल्क कश्मीर फरोशी जैसे इल्जाम से बाहर निकल के ऑन अब्बास साहब ये कैंपेन होनी चाहिए क्या, या ये कोई खास मजबूरियां हैं? मैं जरा अपोजिशन से पूछ लूं सर इसके ऊपर। मैं एग्जैक्टली आखिरी चीज करूं, मैं एग्जैक्टली ये चाह रहा हूं कि हमें कश्मीर में जाके डर्टी लॉन्ड्री नहीं करनी चाहिए। तो आप लोगों को भी इसका ख्याल रखना चाहिए सर, दिखाना चाहिए, गवर्नमेंट को भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। अगर आप अली अमीन गंडापुर की बात करें तो वो काबिल सताइश नहीं है, लेकिन मैं एक लीडरशिप की क्वालिटीज की बात कर रहा हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या मरियम नवाज शरीफ साहिबा तो एक लीडर है, उनके नैरेटिव में तो मैच्योरिटी होनी चाहिए। ये ना हो कि अभी खान साहब जब वहां से अपनी कैंपेन शुरू करें तो सारा हिसाब बराबर कर दें। निहाल हाशमी साहब, अगर तहरीक-ए-इंसाफ आजाद कश्मीर में इलेक्शन जीत जाती है तो क्या इसका मतलब ये होगा कि आप जो गद्दारी और कश्मीर फरोशी के इन पे इल्जाम लगा रहे हैं, कश्मीरियों ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, रद्द कर दिया है, और वो यानी कश्मीरी जो है वो इमरान खान की कश्मीर पॉलिसी से मुतमईन है? पारस, अभी आपने एक बहुत अच्छा वाकया याद करवाया, वो है बुरहान वानी का। आपको पता है बुरहान वानी की जिस साल शहादत हुई उससे अगले साल जब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब यूनाइटेड नेशन जाते हैं, उन्होंने लफाजी नहीं की, उन्होंने एक मुआसना किया कि कौन है बुरहान वानी। उन्होंने दुनिया को बताया कि बुरहान वानी का दर्जा वही है जो यासिर अराफात का था, और उसके तहरीक का दर्जा वही है जो PLO के पास है, और ही इज़ ए फ्रीडम फाइटर, और ये एक इंडिजिनियस मूवमेंट है जिसको आप रद्द नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। और आपने वादा किया था 1948 में कि आप, ये नवाज शरीफ का काम था, और जो उन्होंने कहा आधे कुलभूषण का कश्मीर से आप रिलेट कैसे कर रहे हैं अभी इस इलेक्शन से? कुलभूषण को मियां साहब के दौर में पकड़ा गया था, ये क्रेडिट तो आप देना नवाज शरीफ को कि कुलभूषण को नवाज शरीफ के दौर में ही पकड़ा गया था। नवाज शरीफ ने कुलभूषण की रिहाई के लिए कोई ऑर्डिनेंस लाने की या असेंबली में बिल पेश करने की कोशिश नहीं की। अब जहां तक रह गया, अच्छा, आपकी जो लीडर है मरियम नवाज, उन्होंने इन तकरीरों में कहा कि मोदी फैशिस्ट है, उन्होंने ललकारा मोदी को, उन्होंने कहा कि वो जालिम है भारत, उन्होंने कहा कि मोदी कश्मीर में जुल्म सितम कर रहा है, ये बातें नहीं की आपकी लीडर ने वहां पे? यकीनन कहा, यकीनन कहा। सुनिएगा जरा दोबारा, आप आधा घंटा हर जुमे के रोज खड़े होते थे, चलो हमने कहा चलो आधा घंटे खड़े होते हैं, अब वो जुमे में दो बार खड़े हुए, उसके बाद फिर काम एम्बेसडर है, एम्बेसडर साहब कहीं नहीं गए, कोई रीजनल कॉन्फ्रेंस करते, कोई OIC की कॉन्फ्रेंस करते, कोई कुआलालंपुर में जो टर्की के तौर पर बुलाया गया था उसमें नहीं गए। अब आप देखिए इस इलेक्शन पे आ जाएं, इलेक्शन में इनके पास कैंडिडेट नापैद है, ये हमारे कैंडिडेट्स को तोड़ रहे हैं, आदिन उंगली तोड़ हमारे जो वजीर थे, हमारे जो MLA थे, उनको तोड़ रहे हैं, और उनको कह रहे हैं, उनको तरकीबात दे रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, उनको धमका रहे हैं, उनको कह रहे हैं आप हमारे साथ आए। अगर इनके पास, देखिए कश्मीर में हम एक बात करते हैं जो हमें बेचना है और जो हम बताना है और जो सच है कि जो हाल इन्होंने पाकिस्तान का कर दिया है, जो हाल कराची का कर दिया है 14 सीट लेने के बाद, जो वादे किए थे इन्होंने कि सिंध को और कराची को और बलूचिस्तान को वो रिलीफ पैकेज देंगे, वो नहीं दिया। जो हाल का पाकिस्तान के गरीब लोगों का, मुलाजमीन का है, वो कश्मीरी देख रहे हैं ना, उनको पता है कि इनकी रूलिंग जो पाकिस्तान में, वो आईना है पाकिस्तान, पिछले आजाद कश्मीर इलेक्शन फौज की निगरानी में हुए थे कश्मीर के लिए, कश्मीर और आपने तस्लीम किया था कि आजाद कश्मीर में साफ और शफाफ इलेक्शन हुआ पिछला, अब फिर फौज वहां पे तलब कर ली गई है, तो अब कोई आपको लगता है कि धांधली मुमकिन है या वही पुरानी रिवायत आपकी कि जीत गए तो शफाफ और हार गए तो धांधली का शोर मचाएंगे? नहीं, हम कभी भी जीतने और हारने की बात, मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर की हुकूमत को एक मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए जो वो अपने ही लोगों के से ये मैकेनिज्म, देखिए मैं इसके टेक्निकली इस बात के हक में नहीं हूँ, क्योंकि उस पार जो कश्मीरी है वो फिर ये ना कहें कि जी आपने फौज के तवस्सुत से और तसल्लुत से कोई इलेक्शन करवाया, ये कश्मीरियों को खुद कुल्यतन करने दें। मैं तो समझ रहा था कि इमरान खान बड़े जद्दोजहद वाले आदमी है, वो आज़रबैजान के तरह, निकरनो काराबाग के तरह पाकिस्तान की फौज माशाल्लाह बहुत अच्छी फौज है, ये हिंदुस्तान पर चढ़ाई करते क्योंकि डिस्प्यूटेड एरिया था, काश वो LMF के तरह कुछ कर जाते जो आज़रबैजान के प्रेसिडेंट ने किया था, 16 दिन के अंदर उन्होंने निकरनो काराबाग ले लिया था वापस आर्मेनिया से। तो अगर ऐसे नहीं, हमारे दौर हुकूमत में 370 का वो मामला नहीं हुआ था, हमारे दौर हुकूमत में हिंदुस्तान हमसे डरता था, आपके दौर हुकूमत में किसी और का था, कश्मीर 370 तो नहीं था ना,
वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी था, वो एक डिस्प्यूटेड, और यही बात दुनिया को बावर कराया मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने यूएनओ में जाके। अब तो उन्होंने कहा कि जी हम एनेक्स कर रहे हैं इसके साथ, हमारी गवर्नमेंट ने कोई बात ही नहीं की उस पे, उन्होंने कहा ही नहीं कि जनाब दुनिया को बता दे कि दुनिया का सबसे बड़ा जेल है ये, दुनिया को बता दे कि ये यूनाइटेड नेशन के रेजुलेशन के तहत एक डिस्प्यूटेड एरिया। अगर नहीं मानती है तो फिर हमारे पास, हमें आप हुक्म करें ना, हम चले जाएं। कश्मीरियों ने कहा था हम जाएंगे, डिस्प्यूटेड एरिया है, उन्होंने कहा जो जाएगा बॉर्डर पे वो गद्दार है। ठीक सर, मैं एक ब्रेक ले लूं, जरा ब्रेक के बाद सर आप इस पे बात कीजिएगा। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़। सर बिलावल भुट्टो अमेरिका चले गए, मैं इस पर भी आपसे बात करती हूँ, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में आसफा भुट्टो जो हैं वो एजेके में कैंपेन जो है उसको लीड करेंगी, उसकी कयादत करेंगी, तो क्या वो वहाँ जाके कश्मीर के इशू पे बात करेंगी या फिर जो टोन बिलावल भुट्टो ने सेट किया उसी को फॉलो करेंगी, यानी कि मुहिम वैसे ही चलेगी, मुल्क दुश्मनी और कश्मीर फरोशी और इल्ज़ाम इमरान खान पर लगेंगे? देखिए पारस, पहले हकायक की दुरुस्तगी बहुत ज़रूरी है। अभी सेनेटर ओन ने फरमाया कि जी अली अमीन गंडापुर ने जो किया उसके ऊपर वज़ीर आज़म एक्शन लेंगे, तो मैं याद दिलाती हूँ जो उन्होंने तो यही सब कुछ उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में भी किया था, तो वज़ीर आज़म साहब ने क्या एक्शन लिया था? मुझे तो लगता है कि वज़ीर आज़म साहब ऐसी बातों को इनक्रेज करते हैं। फिर जिस तरह से इन्होंने तनकीद की कि जी हमें अपने जो है डर्टी लिनन वॉश नहीं करने चाहिए कश्मीर में, तो मैं कहूँगी इमरान खान अहमद न्याजी साहब ने तो कोई दुनिया की ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे जाके उन्होंने अपोजिशन को बदतरीन तनकीद का निशाना ना बनाया हो। ठीक है, ये रिवायत तो इमरान खान अहमद न्याजी साहब की है। अब सवालात तो बिल्कुल उठते हैं पारस, बिल्कुल सवालात उठते हैं, क्योंकि इमरान खान अहमद न्याजी साहब जब न्यूयॉर्क गए थे, जब वो वाशिंगटन गए थे, जब उन्होंने वहाँ पे मीटिंग की थी डोनाल्ड ट्रंप से, तो उन्होंने कहा था मैं वर्ल्ड कप जीत कर आया हूँ। ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि, और ट्रंप ने ऑफर की थी मिटिगेशन की। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो वर्ल्ड कप था क्या जो वो जीत के आए थे? यानी उसके बाद मोदी ने कश्मीर की हैसियत तब्दील की, उसकी डेमोग्राफी तब्दील हो रही है, भारतीयों को राइट्स दे दिए कि वो वहाँ जाके प्रॉपर्टी जो है वो ख़रीद सकें, कश्मीरियों को जो है ना उनकी उन्हीं के घरों में जो है समझे कि एक जेल में वो रह रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी जेल है वो, तो क्या मीडिएशन थी वो? और उसके बाद इमरान खान अहमद न्याजी साहब के इकदाम क्या थे? तकरीर, मुझे आप ये बताएं कि डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव से कितने मुल्कों के कैपिटल में ये पहुंचे, कितने ओआईसी मेंबर स्टेट्स के हेड ऑफ द स्टेट से ये मिले, कितने मिलते रहे हैं? मैं आप बताएं ना कि कितने ओआईसी मेंबर कंट्रीज के हेड ऑफ द स्टेट से ये मिले, कितने ओआईसी कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स से ये मिले, कितनी इन्होंने इस इशू के ऊपर प्रैक्टिकल इकदाम किए, कितने दुनिया के कैपिटल्स में वफूद भेजे, क्या डिप्लोमेसी की? महज तकरीरें? इन्होंने तो सबसे बड़ा जो नुकसान पहुंचाया, आपकी हुकूमत होती है अगर इंडिया ये कार्रवाई करता, बिलावल भुट्टो वजीर आजम होते, आप लोग क्या करते? देखें मैं आपको बिलावल भुट्टो की बात करी ना, मैं आपको डिवोर्स की बिलावल भुट्टो जरदारी की स्टेटमेंट बता देती हूँ। जो एक लीडर होता है जो बात करता है वो अपने मुल्क की, वो डट के बात करता है और वो पूरी दुनिया में उसी तरीके से कोट की जाती है। हम क्या करते? जो आसिफ अली जरदारी ने जब पाकिस्तान के अंदर जो है एक चैलेंजिंग टाइम था, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था, इमरान पूरी कौम को यूनाइट किया था, और जो एक जो जज्बात थे उन भड़के हुए उनको सर्द किया था। लेकिन इन्होंने क्या किया? इमरान खान अहमद न्याजी साहब ने कश्मीर इशू पे कौमी यकजहती को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया। जब पार्लियामेंट में कश्मीर के ऊपर रेजोल्यूशन पास हो रही थी, इमरान खान अहमद न्याजी साहब मौजूद नहीं थे। सवाल उठेंगे, ज़रूर उठेंगे कि भाई आप ये बताएं कि आपकी मीडिएशन क्या थी, आपका वर्ल्ड कप क्या था, आपकी पॉलिसी क्या है, ये इतनी खामोशी क्यों है? बुरहान वानी की दो दिन पहले जो है पांचवीं बरसी थी, आपने क्या किया? आपने क्यों कुलभूषण यादव के लिए आप ऑर्डिनेंस लाए? मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही, मैं सवाल उठा रही हूँ। देखें ये बहुत, मैं इस बात पर मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि ये जो है ना हम लोग हर एक को गद्दार 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 का नारा इमरान खान अहमद न्याजी ने लगाया, हर एक की हमसे सवाल उठा रहे हैं इन इश्यूज के ऊपर कि आप बताएं, ये सवाल बनते हैं पारस, ये सवाल बहुत अहम है, ये सवाल बनते हैं इमरान खान अहमद मुहिम में ही बनते हैं। देखें ये सवाल बनते हैं जब कश्मीर के ऊपर मोदी ने नाजायज नहीं जब मोदी ने कश्मीर की हैसियत खत्म की,
इमरान खान अहमद नियाजी साहब ने ये गवारा नहीं किया कि कौमी क़यादत को, सियासी क़यादत को, पार्लियामानी क़यादत को अपने दाएं बाएं खड़ा करें, एक कौम हो के बात करें। वो अकेले मैं जी हर जुम्मा जुम्मा खड़ा हूँगा, वो जुम्मा जुम्मा कहाँ गया, वो जुम्मा जुम्मा उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि भाई देखें आपकी नेशनल यूनिटी, नेशनल यूनिटी आप डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं जब भी चैलेंजिंग टाइम होता है। और हमने देखा, मैं बार बार इसका जिक्र करती हूँ और मैं आज दोबारा जिक्र करूंगी कि हमने सलाला चेक पोस्ट पे हमले के बाद पाकिस्तान की पार्लियामेंट से वो मजबूत आवाज उठाई थी जिसके ऊपर फौजी शहीद हुए थे। देखे उसके बाद उसके देखे जब जब कोई वाकया होगा तब रिएक्शन होगा ना। शमसी एयरबेस भी पीपल्स पार्टी ने खाली कराई थी। इमरान खान अहमद नियाजी साहब बयान तो बहुत दे रहे हैं, एब्सोल्युटली नॉट। मैं कहती हूँ मुझे एक स्टेटमेंट आप और दें, आप बोलें कि मैं एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने दूंगा तब मैं मानू आपको। उनको बेस आपकी यहाँ नहीं चाहिए, उनके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप खड़े हुए हैं जहाँ पे से उन्होंने प्रवास करनी है। देखिये बातें बातें आप वो करें जो हकाइक से करीब तर हो। ये जो आप बात कर रहे हैं, पहला लीडर है जो आंखों में आंखें डाल के अमरीका से बात कर रहा है, जिसने absolutely not कहा है, मुल्क की खुद मुख्तारी की बात की है। देखिए बात ये है कि action speaks louder than words, ठीक है? आपकी तो हर बात आज तक झूठ साबित हुई ना, आपने अब तक जो कुछ बोला वो झूठ है ना। आप जो है आज कश्मीर के अंदर आप ये इसी से इनकी संजीदगी का अंदाजा लगा दें कि जिसको अभी खुद जिसकी हरकतों को कंडेम कर रहे थे सेनेटर ऑन साहब, वो तो इनका कश्मीर का मिनिस्टर है। उसके उसके मैं उसके वाकयात मैं नहीं याद दोहराऊंगी, मैं किसी पे जाती हमला नहीं करूंगी, लेकिन मैं याद दहानी जरूर कराऊंगी कि उनका पर्सनल कैरेक्टर, उनकी रिप्यूट और उनकी हरकतें वो कैसी हैं, क्या वो अहल हैं कि कश्मीर को रिप्रेजेंट करें, क्या जो उन्होंने किया क्या ये कश्मीरियों की कोई खिदमत कर रहे हैं, क्या वो आलमी सतह पर पाकिस्तान के लिए मजीद जो है वो चैलेंज। और अब्बास साहब एक तो इसका जवाब और साथ साथ ये भी कि बिलावल भुट्टो अमेरिका चले गए हैं, सर आप लोग उनके दौरे को इतनी संजीदगी से ले रहे हैं, कोई खास वजह, इतनी तनकीद आप उनके ऊपर क्यों कर रहे हैं, कोई पहली बार तो नहीं गए अमेरिका? थोड़े सा मैं क्लियर कर दूं कि जो अली मीन गंडापुर कर रहे हैं एग्जैक्टली यही काम कमर जमान कर रहा है और बर्जीस ताहिर साहब भी करते रह गए। सो ये ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। और गिलगित बल्तिस्तान में जब इशू रेज किया गया था, जब गिलगित बल्तिस्तान में इशू रेज किया था कि मिनिस्टर्स को नहीं आना चाहिए, वहाँ के इलेक्शन कमीशन है, तो तमाम मिनिस्टर्स वहाँ से आ गए थे। सो अगर एजी के वोट के बदले 1 करोड़ का किसी ने ऐलान किया है ओन अब्बास साहब कभी? वो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि वो जज्बात पे जो वो गगर के मैं समझता हूँ अप्रिशिएट नहीं करता, उन्होंने जाती हैसियत पे जो कुछ किया है वो नहीं करना चाहिए था और प्राइम मिनिस्टर को देखेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ इससे पहले भी इस तरह के वाकयात होते रहे। मैं थोड़ी सी याद दहानी करा दूं, ये बीबी इतने ज्यादा सर बीबी हमें याद करा दी ईगोज और वो साइंटिफिक अप्रोच कि दुनिया को कैसे जाके पावर कराना है। जब गिलानी साहब को कहा गया तरीके से एक्ट करते हैं टीआई के लोग, जब गिलानी साहब को पूछा गया ना कि ड्रोन हमले ने उन्हें कहा कि रोक दिया जाए, तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं तुम करते रहिए। एन पीटरसन ने लिखा था कि तुम खबरदार कोई मसला नहीं करते रहो, मैं यहाँ के कंडेम कर लूंगा और ये आवाम खामोश हो जाएगी। इमरान खान अहमद नियाजी साहब मोदी से मिलने चले गए, जब यहाँ पे जंग होने लगी थी कश्मीर के ऊपर, जब इंडिया में मुंबई अटैक्स हुए थे, जब मुंबई अटैक्स हुए थे तो उस वक्त वर्क सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट यहाँ पे पाकिस्तान आई थी कॉन्डोलीजा राइस, वो अपनी किताब में लिखती है कि मैंने गिलानी साहब को आंख में आंख डाल के कहा था कि जो जो, जो दहशत गर्द है तुम्हारे पाकिस्तानी, उन्होंने कहा नो दे आर नॉट विद अस, उन्होंने कहा मिस्टर गिलानी इधर यू आर लाइंग टू अस और दे आर लाइंग टू यू, इन बोथ द केसेस यू आर लाइंग, झूठ बोल रहे हो। यानी कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कह रहा है कि तुम झूठे हो, ये इनकी औकात हुआ करती थी। और मैं एक चीज और भी याद कर रहा हूं, एन पीटरसन लिखती है कि मुशर्रफ को जो इम्यूनिटी दी गई थी वो मेरे कहने पे जरदारी साहब ने दी थी। ये है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो कि सारी डिक्टेशन अमेरिका से लिया। सर, अभी मुशर्रफ को सजा हुई तो पूरी पीटीआई परेशान थी, उस पे अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? सर बीबी मुझे लगता है अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? मेरा तो बनता है स्टैंड ले रहा है, तो मैं आप मौका दूंगी आपको, उसके बाद कीजिए जरा एक की बातें करेंगे जरा एक एक करके। एक बच्चा पशु आके लाल करता मैं जंग कर दूंगा, ना तुम्हारे नाना ने जंग की, ना तुम्हारे वालदा ने जंग की, ना तुम्हारे वालिद ने जंग की, तुम जंग का बहाना करके अमेरिका में पार्टी कर रहे हो और हमें यहाँ पे असूल सिखाओगे? आपको परेशानी क्यों है उनके दौरे अमेरिका से? कौन अब्बास साहब, कोई परेशानी नहीं, हमें किस परेशानी नहीं, वहां जाए पार्टी करे, बीच में समर का टाइम है, पार्टी करने का तो पूरा आप इमरान खान अहमद नियाजी का हमें से कोई ताल्लुक नहीं है। एक दिन की कॉन्फ्रेंस है, जाकर आपकी जो आपकी तरफ से बातें हो रही है ना वो इस बात को तकिया दे रही है जैसे कि पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट बनती है वो अमेरिका की आशीर्वाद और आशीर्वाद से बनती है और गिरती है। इशू ये कि आप एक पार्टी के लीडर हैं,
आपने इलेक्शन कैंपेन वहां जाके चलाई है, आप इतने जज्बात में बुलंदोबाग डाले वहां पे जाके, वहां पे दावे कर रहे हैं, नारे मार रहे हैं, और अचानक आप अमेरिका चले गए तो दुनिया तो ऑटोमेटिक सवाल पूछे हमारा इसे क्या कंसर्न है, चाहे आसफा बीबी चलाए या बिलावल चलाए, हमें से जीबी पे हुआ था जैसे ही वहां पे हार गया भी हार गया। और ये भी बता दूं कि हमेशा जिसमें फेडरल की गवर्नमेंट रही थी वो जीतता रहा है, अगर हम जीत गए तो उन्होंने धादी का इल्जाम लगाना ही लगाना है, और अगर ये अगर अल्लाह ना करे हमारे साथ कुछ हुआ तो वाजी वाह कमाल हो गई। अच्छा और अब्बास साहब एक सवाल मेरा सुन लें, यकीन जान जी, कहीं ये वजह तो नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप से वजीर आजम इमरान खान की अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप थी और बाइडन जो हैं वो खान साहब से कतरा रहे हैं, और आपको पता है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज्यादा करीब हैं, तो आप ये समझ रहे हैं कि बिलावल भुट्टो वहां जाएंगे तो आपके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, खान साहब पे प्रेशर पड़ सकता है, वो एब्सोल्युटली नॉट से यू टर्न लेने और अमरीका की बात सुनने के लिए मजबूर हो सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्राइम मिनिस्टर का जो ईमान है ना वो इनके इस सोच से बहुत ज्यादा, ना हमें इमरान खान को ये जो हुकूमत है ना अमेरिका ने दी है, ये अल्लाह के सिवा अल्लाह और उसके रसूल ने उसको दी, उसको कोई परवाह नहीं है। सो इनकी सोच के साथ हमारा मुकाबला नहीं हो सकता, अगर अल्लाह ने हमारे इसमें लिखा है ये हुकूमत चलनी है वो चलनी चलनी है, ना वो अमेरिका सरकार तब्दील करा सकता है ना इनके दौरे तब्दील करा सकता है। निहाल हाशमी साहब क्या गवर्नमेंट की तरह आप लोग भी समझ रहे हैं कि बिलावल भुट्टो का ये जो दौरा है ये गैर मामूली है? और सर याद है 2014 में आप लोगों के खिलाफ एक लंदन मुंबई ना लंदन प्लान बना था जिसका आप काफी तस्करा करते हैं निहाल हाशमी साहब आप लोग, तो क्या कोई इस दफा लगता है कि पीपल्स पार्टी किसी किस्म का कोई वॉशिंगटन प्लान बनाने जा रही है या बन सकता है? देखिए जी आजाद शहरी हैं, बहुत अच्छी बात है, नौजवान है, ये हमें किसने हक दिया कि हम उनके जात और उनकी हुब्बुल वतनी पे शक करें जी। दूसरी बात है कि वो जा रहे तो अच्छी बात है, अगर बाइडन इनको फ़ोन नहीं कर रहा है या इनका फ़ोन नहीं उठा रहा तो शायद बिलावल को बुलाया तो अच्छी बात है, कोई तो पाकि अब ऐसे क्रिटिकल मूवमेंट में जब अफगानिस्तान तो के साथ भी पड़ेगा पाकिस्तान की सियासत पे, आपको बाइडन साहब भी नहीं बुला रहे, अफगानिस्तान भी आपको लिफ्ट नहीं मार रहा है, सऊदीया भी नहीं मार रहा है, ये कोई भी लिफ्ट नहीं मार रहा है, अगर ऐसे में एक नौजवान को एक पॉलिटिकल लीडर को अगर बुलाया जा रहा तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, मगर बुरी बात तब होती है जब आप यूएसए में जाके सरेंडर करते हैं कश्मीर को, यूएसए में जाके आप नवाज शरीफ और अपोजिशन को बुरा भला कहते हैं, यूएसए में जाकर के आप इस तरह की बातें करते हैं और आप कहते हैं कि सॉवरेंटी वो वजीर आजम बनाएंगे, भाईजान वजीर आजम अगर आप वो बना रहे हैं तो फिर आप अपनी सॉवरेंटी को क्या दाव पे लगा रहे हैं, क्या आप बताना चाहते हैं कि हम कोई उनके यूनियन रिपब्लिक हैं, उनकी डोमिनेंट रिपब्लिक हैं, हम उनका कोई हिस्सा हैं, आप इस तरह की, और आपका अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी ये है कि आपने वहाँ से बहुत सारे फंड लिए हैं गवर्नमेंट ने इमरान खान साहब ने, और जो आज फॉरेन फंडिंग केस इमरान खान साहब के जो है वो इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ और तनकीद की वजह क्या आपको समझ में आ रही है? नवाज शरीफ ने कहा था ऐ ताहरे ताहिर लाहूती उस रिस्क से रिस्क मौत अच्छी जिस रिस्क से आती है परवाज में कोताही, और उन्होंने 6 धमाके कर दिए थे, अमेरिका को घास नहीं डाला था, अच्छा। बरतानिया को घास नहीं डाला था, फ्रांस को घास नहीं डाला था, पाकिस्तान को दिफाई लिहाज से मजबूत तरीन मुल्क बना दिया था, और आप कहते हैं हम जंग लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, हमारा अगर जंग लड़ना है तो हम लड़ेंगे, हम अमन की बात जरूर करेंगे, मगर जहां पे हमें जंग लड़ना है हम जंग भी लड़ेंगे, और गुलबोशन का नाम नहीं लेते, मोदी को अपने घर बुला लेते हैं, ये इल्जामात आपके ऊपर लगाते हैं सर, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कि तनकीद लड़ना होता है हम मोदी से भी लड़ते हैं, ये तो बेचारे उसको फोन करते हैं फोन वो नहीं उठाता है, अकेले अकेले वो फोन ही नहीं उठाता है मोदी, इनका क्या करें हम, आपकी बात हो रही है, फोन ही नहीं उठाता है, ठीक दोस्ती आपके साथ है ना जनाब, अगर आज नवाज शरीफ होता तो अल्लाह के फजल से पाकिस्तानी अफवाज आधा जम्मू और कश्मीर के अंदर बैठी होती मुजाहिदीन के साथ जी। अच्छा सहर आप जरा ये बताइए कि मुराद अली शाह साहब कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड एरिया, 3 से 4 मतलब अमेरिका जा चुके हैं और पिछले महीने में 1948 जी सर, अब बिलावल भुट्टो एक हफ्ते के लिए अमेरिका चले गए हैं तो ये अमेरिका की तरफ रुख क्यों कर लिया है, क्या अहमियत है इस दौरे की उनके? देखिए बात यह है कि आपने जो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो उनकी अपनी एक प्राइवेट लाइफ भी होती है, ठीक है, अगर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जहाँ इंटेलेक्चुअली वो अपना एक नैरेटिव प्रेजेंट कर सकते हैं तो क्यों ना जाए, आर्मी स्टाफ पर कह रहे हैं वो सीवी लेके जा रहे हैं वो अमेरिका की ख्वाहिश, मैं समझती हूँ, मैं सिर्फ दो बातें, पारस मैं सिर्फ दो बातें रखूंगी, ठीक है ना, बात यह है कि पहली बात यह कि बिलावल भुट्टो जरदारी क्या अमेरिका नौकरी करने जा रही है, ये बहुत
चीप और घटिया बातें ना करें, ठीक है, ये जेब नहीं देती। अगर आपको कोई इनसिक्योरिटी है तो उसको उसको सोचे क्यों, यही तो मैं पूछ रही हूँ कि उसके उसका जवाब उसका उसका जवाब तलाश करें कि क्या क्यों इनको इनसिक्योरिटी है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है इस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं है, ना ही वो पाकिस्तान का कोई फैसला वहां करने जा रहे हैं, वो एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। अमेरिका इस हुकूमत से नाराज है, वो उसका फायदा उठाने के लिए गए हैं, अपने कार्ड्स पहले ही खेलना शुरू कर देते हैं। इनकी सोच और इनकी ज़हनियत को देखें, यानी एक एक जब भी वैसे इमरान खान अमेरिका से खुश या नाराज होते हैं बिलावल भुट्टो का विजिट हो जाता है। याद है कि जब डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए थे उससे पहले एक हफ्ते पहले बिलावल भुट्टो अमेरिका चले गए थे। आप मैं कहूंगी पारस इनके ये नर्वस हो रहे हैं, ये क्यों नर्वस हो रहे हैं कि इनको इनको इस बात से परेशानी हो रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी एक बड़ी पार्टी के हेड है, वो एक यंग एनर्जेटिक लीडर है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं, वो जो है जापान और जर्मनी की सरहदें नहीं मिलाएंगे, वो मईशत को मईशत नहीं कहेंगे, वो 12 मौसम नहीं पैदा करेंगे, वो जाके पाकिस्तान को शर्मिंदा नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान की बात अच्छे तरीके से चाहे वो किसी कॉन्फ्रेंस में हो किसी मीटिंग में हो वो कर सकते हैं। तो भाई आप नर्वस ना हो, वो जा रहे हैं। औरबा साहब वन लाइनर इस पे दे दें और अब वो कह रहे हैं अपने खदशात को आप दूर कर दें बिलावल भुट्टो के विजिट के हवाले से। ऐसी बात होती तो 2013 और 2018 के इलेक्शन पर पीपल्स पार्टी ना हारती। कि इसमें एवन फील्ड के फ्लैट्स भी शामिल है इस रिस्क में जो हलाल के रिस्क की बात कर रहे हैं, और इसमें वो दो अपना 7.2 अरब जो रिटेटी आई थी शहबाज शरीफ की वो भी शामिल है, और 25,000 रुपया जो शहबाज शरीफ के बेटे के अकाउंट में आया जो चपरासी के अकाउंट में है वो रिस्क की हलाल इसमें शामिल है। और ये शहर का अमराज से भी पूछ लीजिए आप हिसाब दीजिए। ब्रॉडशीट में यूके कुवैत ने कहा है कि जनाब ये जेन्युइन उनका है, उनकी प्रॉपर्टी है। वहां से सुने पूरी बात तो सुन लेना, आप एवनफील्ड में चले जाना भाई, केस करें जाके किसी ने रोकी पे तवज्जो दे, ऐसा लगता है अपोजिशन में। मुझे तो पहले दिन से लग रहा है कि कंटेनर के नीचे ना कोई कंटेनर से नीचे उतर रहे हैं सर। एक 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 करके बात कर रहे हैं, जिस दिल के बारे में जरा मालूमात ले ले। यूएस को निहाल आजमी साहब एक हमें रसीदें दे, हमारी दौलत का जवाब समझ नहीं आएगा। रसीदे हमने दे दिया यूके वालों को, कहां से आया कहां से नहीं किया। अगर ला दिया होता रसीद तो यूके वाले जो है ना क्वालिफिकेट कर लिए होता उन्होंने एवन फील्ड को। मैंने सिर्फ ये कहा है कि हमें किसी से कोई ताल्लुक नहीं, वो अमेरिका जाए इंग्लैंड जाए, सिर्फ अपने वालिदैन की जो करप्शन है ना वालिद साहब की उसका हिसाब दे के चले जाए, और वो जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ वो भी अपने करप्शन हिसाब से चले। सर आप आने जाने पे किसी के परेशान ना हो, एक जजमेंट नहीं है। मुझे पूछना है मैंने कंटेनर से नीचे कब उतरेंगे, वजीर ये अब ये 3 साल हो गए इनकी हुकूमत को, मगर ये इनको अभी तक यकीन नहीं आया शहबाज शरीफ साहब ने किया, कोई करप्शन नहीं। बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने कहा।